आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं और विधान पालिका भी बोलते हैं। पार्लियामेंट जो है देश की सबसे बड़ी कानून निर्माण संस्था है और पार्लियामेंट के तीन पार्ट्स होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। प्रेसिडेंट जब तक किसी बिल पे साइन ना कर दे तब तक वो कानून नहीं बनता, तो प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और प्रेसिडेंट देश का पहला नागरिक भी है और वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है देश का और सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसके अंडर काम करती है। और उसके बाद है राज्यसभा। राज्यसभा को हम अपर हाउस भी बोलते हैं। ये जो हाउस है वो कभी भंग नहीं होता और इसके जो सदस्य हैं उनकी संख्या होती है 250, मैक्सिमम 250 हो सकती है। एट प्रेजेंट राज्यसभा की जो संख्या है वो 245 है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोकसभा की। जो लोकसभा है, लोकसभा की जो मैक्सिमम जो संख्या है वो 552 हो सकती है, लेकिन एट प्रेजेंट जो है वो 545 है। तो चलिए संसद की बात करते हैं। संसद जो कानून बनाती है, कानून निर्माण के बाद उसको एग्जीक्यूट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है, जिसको हम एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं। और जो तीसरा जो पार्ट है वो जुडिशरी का है। जुडिशरी में क्या होता है कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून निर्माण कर दे जो संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्प्रिट के दायरे में नहीं आता तो वो उसको नल एंड वॉइड कर सकती है, वो उसको इलीगल घोषित कर सकती है, इनवैलिड घोषित कर सकती है। ठीक है जी। और कोई एग्जीक्यूटिव जो पार्ट है, जो गवर्नमेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अगर कोई ऐसा कानून गलत तरीके से इम्प्लीमेंट कर दे जो संविधान की भावना के खिलाफ हो और वो लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करे, तो उसको भी उसमें भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसमें चेक लगा सकता है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट की। तो सबसे पहले बात करेंगे लेजिस्लेटिव फंक्शंस, कानून निर्माण से संबंधित कार्य। द पार्लियामेंट लेजिस्लेट्स ऑन ऑल मैटर्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। संसद उन सभी विषयों पर कानून बना सकती है जो यूनियन लिस्ट में हैं, सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं और कंकरेंट लिस्ट में जो समवर्ती सूची है उसमें कानून बना सकती है। आपको पता ही होगा कि तीन लिस्ट हैं, एक तो सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और जो तीसरी लिस्ट है वो कंकरेंट लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट में केंद्रीय सरकार कानून बना सकती है और जो स्टेट लिस्ट है उसमें राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें जो कानून बनाती है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के कानून बनाती है। इन केस ऑफ कंकरेंट लिस्ट वेयर द स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड द पार्लियामेंट हैव ज्वाइंट जुरिस्डिक्शन द यूनियन लॉ विल प्रिवेल ओवर द स्टेट अनलेस द स्टेट लॉ हैड रिसीव्ड द अर्लियर प्रेजिडेंशियल असेंट। हाउएवर द पार्लियामेंट कैन एनी टाइम इनएक्ट लॉ एडिंग टू अमेंडिंग वेरिंग ए रिपीलिंग ए लॉ मेड बाई अ स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट के अंदर होते हैं उसमें जो कानून बनाया जाता है वो कानून बनाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिलकर बनाती है उसमें कानून। अगर राज्यसभा को ऐसा लगता है कि किसी विषय पे जो है कोई कानून ऐसा है, जो कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिस पे सिर्फ केंद्रीय सरकार ही कानून बनाए, तो वो रिकमेंड कर सकती है स्टेट लिस्ट से जो है निकाल करके वो सेंट्रल लिस्ट में लेके आ सकती है उस सब्जेक्ट को। और आगे बात करते हैं, द पार्लियामेंट कैन आल्सो पास लॉ ऑन द आइटम्स इन द स्टेट लिस्ट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस। इफ़ emergency in operation or any state is placed under the president rule article 356 the parliament can enact law on items in the state list as well। देखिए जब 356 आपको पता ही है जब वो इमरजेंसी लगती है उसमें प्रेजिडेंट रूल होता है, तो प्रेजिडेंट रूल जब होगा तो स्टेट गवर्नमेंट के पास तो पावर नहीं होगी, सारी की सारी जो पावर हैं वो पार्लियामेंट के पास चली जाती हैं, राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट सेंट्रल लेवल वहाँ चली जाती हैं। तो जो सारे जो कानून का निर्माण होगा वो पार्लियामेंट ही करेगी। उसके बाद एज़ पर आर्टिकल 249 द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द आइटम्स इन द स्टेट लिस्ट इफ द राज्यसभा पासिस ए रेजोल्यूशन बाई 2/3 मेजोरिटी ऑफ द इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग दैट इज नेसेसरी फॉर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन एनी आइटम इनमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दी ये चीज़ कि आर्टिकल 249 के तहत जो है राज्यसभा अगर
कोई 2/3 मेजोरिटी से जो है रेजोल्यूशन पास कर दे, और वो ये कह दे कि भाई स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है वो नेशनल इंटरेस्ट का है, पूरे राष्ट्र के हित के लिए है, तो वो उसको जो है वो सेंट्रल लिस्ट में लेकर के आ सकती है, उसमें केंद्रीय सरकार या पार्लियामेंट उसमें कानून बना सकती है। एज़ पर आर्टिकल 353 इट कैन पास लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट आइटम्स इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज़ विद फॉरन पावर्स। नेक्स्ट इज़ द अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 252 इफ़ द लेजिस्लेचर्स ऑफ टू और मोर स्टेट्स पास ए रेजोल्यूशन टू द रिफ्लैक्ट टू इफेक्ट इट इज़ ए डिजायरेबल टू हैव ए पार्लियामेंट लॉ ऑन एनी आइटम लिस्ट इन द स्टेट लिस्ट द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर दोज स्टेट्स। देखिए आर्टिकल 252 के तहत क्या है कि दो राज्य या उससे ज़्यादा राज्य अगर वो एक रेजोल्यूशन पास कर दें कि भाई इन सब्जेक्ट के ऊपर जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं उन पे कानून जो है केंद्रीय सरकार बनाए, तो वो उसमें जो पार्लियामेंट जो है उस पे कानून बना सकती है। उसके बाद बात करते हैं हम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की, जो कार्यकारी जो फंक्शंस होते हैं। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर हैंज़ द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव बाई सेवरल मेजर्स। इसका मतलब क्या है, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, जो हमारी सरकार है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसको हम एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, वो पार्लियामेंट के प्रति आंसरेबल है, अकाउंटेबल है, उसका उत्तरदायित्व बनता है। और पार्लियामेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ गवर्नमेंट को थ्रू डिफरेंट मेजर्स वो उनको कंट्रोल करती है। वो कैसे उसको कंट्रोल करती है, नियंत्रित कैसे करती है सरकार को, बाई अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस द पार्लियामेंट कैन रिमूव द कैबिनेट ऑफ आउट ऑफ पावर, इट कैन रिजेक्ट ए बजट प्रपोजल और एनी अदर बिल ब्रॉट बाय द कैबिनेट, ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास टू रिमूव ए गवर्नमेंट फ्रॉम ए ऑफिस। जो नो कॉन्फिडेंस जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आया जाता है वो अपोजिशन वाले लेकर के आते हैं, और ये खासकर लोकसभा में लेके आया जाता है, तो कम से कम जो लोकसभा के जो 50 MP हैं उनकी अप्रूवल होगी तभी ये जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया जाएगा, और लोकसभा का जो स्पीकर है वो इसको अप्रूवल देगा अपनी। उसके बाद बात करते हैं द MPs कैन आस्क क्वेश्चन टू द मिनिस्टर ऑन देयर ऑमिशंस एंड कमीशंस एनी लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी इम्पोज एक्सपोज इन द पार्लियामेंट। देखिए द MPs मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन आस्क क्वेश्चन, देखिए राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर जो MPs होते हैं वो सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, भाई आपने कौन सा काम किया है और उससे देश को क्या हित हुआ है और आने वाले टाइम में देश के लिए आप क्या करेंगे, वो किसी तरीके का भी कोई भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। एडजॉर्नमेंट मोशन अलाउड ओनली इन द लोकसभा, द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडजॉर्नमेंट मोशन इज टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट टू पे रिसेंट इश्यूज ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंटरेस्ट, इट इज़ कंसिडर्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टूल इन द पार्लियामेंट एज द नॉर्मल बिजनेस इज इफेक्टेड। देखिए एडजॉर्नमेंट मोशन जो है, स्थगन जो प्रस्ताव है वो जब लेकर के आया जाता है उसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि कोई मतलब कि किसी देश के अंदर कोई खास कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये जो है एडजॉर्नमेंट मोशन लेकर के आया जाता है। उसके बाद द पार्लियामेंट अपॉइंट्स ए कमेटी ऑन मिनिस्ट्रियल एश्योरेंस दैट सीज द वेदर द प्रोमाइज इज मेड बाय द मिनिस्टर टू द पार्लियामेंट आर फुलफिल्ड और नॉट। इसके साथ ही पार्लियामेंट एक कमेटी को अपॉइंट करती है जिसको बोलते हैं कमेटी ऑन मिनिस्ट्रियल एश्योरेंस, जो मंत्री जो है वो प्रोमिस करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, देश के लिए ये करेंगे, गरीबों के लिए ये करेंगे, तो उसमें क्या है पार्लियामेंट एक कमेटी अपॉइंट करती है, वो उसको देखती है कि भाई मंत्रियों ने ये काम किए कि नहीं किए जो इन्होंने वादे किए थे। नेक्स्ट है सेंसर मोशन, ए सेंसर मोशन इज मूव बाय द अपोजिशन पार्टी मेंबर्स इन द हाउस टू स्ट्रांगली डिसअप्रूव एनी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सेंसर मोशन तभी लेके आया जाता है कि भाई सरकार कोई ऐसी पॉलिसी, कोई खास योजना लेके आ रही है और जो अपोजिशन है वो उसको क्या है कि वो नहीं मानती, भाई ये गलत है, उसको सेंसर मोशन बोलते हैं। इट कैन बी मूव्ड ओनली लोकसभा, ये लोकसभा में ही हो सकता है। इमीडिएटली आफ्टर ए सेंसर मोशन इज पास द गवर्नमेंट हैज़ टू सिक द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, अनलाइक इन द केस ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नीड नॉट रिजाइन इफ द सेंसर मोशन इज पास। देखो नो कॉन्फिडेंस अगर पास हो जाता है प्रस्ताव तो उसमें सरकार को रिजाइन देना पड़ता है, लेकिन सेंसर मोशन अगर पास हो जाता है तो उसमें सरकार को रिजाइन नहीं देना पड़ता। उसके बाद है कट मोशन, एक कट मोशन इज़ यूज टू अपोज एनी डिमांड इन द फाइनेंशियल बिल ब्रॉट बाय द
गवर्नमेंट जब सरकार जो है बजट लेकर के आती है, बजट पे बहस होती है, तो जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, एमपीज होते हैं, वो उसमें कट मोशन लगाते हैं कि भाई आप जो है पैसा ज़्यादा मांग रहे हैं इस कोई ख़ास पॉलिसी, ख़ास प्रोजेक्ट के लिए, जो ख़ास आइटम पे। जब भी कोई वो सरकार जो पैसा मांगती है, मैंने बजट में इतना पैसा खर्च करना, तो सरकार कहती है भाई ये यूज़लेस है ना, सॉरी अपोजिशन वाले बोलते हैं कि भाई ये यूज़लेस है, आप इस पर पैसा इतना ज़्यादा मत लगाए, इसको बोलते हैं हम कट मोशन। भाई उस पैसे पर कट लगाना, आपने 1,000 करोड़ मांगा है तो कट लगाएगी, भाई इसमें जो 1,000 करोड़ आपने मांगे वो गलत है, ये 500 करोड़ में काम हो सकता है। तो इस तरीके की जो बात होती है उसको हम कट मोशन बोलते हैं। उसके बाद है फाइनेंशियल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। द यूनियन बजट प्रिपेयर्ड बाय द कैबिनेट इज सबमिटेड फॉर द अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। ऑल प्रपोजल्स टू इम्पोज टैक्सेस शुड बी अप्रूव्ड बाय द, जो बजट जो पास किया जाता है वो पार्लियामेंट में ही पास किया जाता है, उसके ऊपर जो अप्रूवल होती है वो पार्लियामेंट की ही अप्रूवल होती है। उसके बाद फाइनली क्या होता है कि राष्ट्रपति उस पर साइन करता है, कितने नए टैक्स लगाए जाएंगे, इन टैक्स हटाए जाएंगे, ये सारी की सारी जो डिटेल होती है वो बजट के अंदर होती है। देर आर टू स्टैंडिंग कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड एस्टिमेट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट टू कीप ए चेक ऑन हाउ द एग्जीक्यूट स्पेंड्स द मनी ग्रांटेड टू इट बाय द लेजिस्लेचर। यू कैन, तो इसमें क्या है कि भाई दो जो कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है और एस्टिमेट कमेटी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम होता है कि भाई सरकार ने जो खर्चा कर दिया है तो वो उसका ऑडिट करती है कैग, और कैग ऑडिट करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। रिपोर्ट जो है वो उसको पार्लियामेंट में, वैसे तो रिपोर्ट जो राष्ट्रपति को देती है, राष्ट्रपति जो रिपोर्ट को जो है पार्लियामेंट में रखवाता है, और पार्लियामेंट में जो है जो रिपोर्ट जाती है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाती है, वो उसको चेक करती है भाई सरकार ने कोई गलत खर्चा तो नहीं किया, गलत किया है तो उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन करती है। और एस्टिमेट कमेटी का काम क्या है कि एस्टिमेट क्या है कि सरकार जो खर्चा करना चाहती है कर रही है, तो उसके लिए जो सरकार के लिए नए नए सजेशंस देना, मेजर्स देना कि भाई सरकार कैसे काम करे, कहाँ पैसा बचा सकती है, कैसे बजट बना सकती है, तो उसमें सरकार की एफिशिएंसी के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए इस तरीके के जो है रिकमेंडेशन देती है। उसके बाद बात करते हैं अमेंडिंग पावर। द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है इक्वल पावर, सो एज फार एज अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न, अमेंडमेंट्स विल हैव टू पास इन द लोकसभा एंड राज्यसभा फॉर देम टू बी इफेक्टिव। देखिए जो अमेंडमेंट है आर्टिकल 368, उसमें जो पार्लियामेंट है संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है, वो तीन तरीके से कर सकती है। एक तो सिंपल मेजोरिटी के साथ मोर देन 50%, और एक मेजोरिटी जो होती है स्पेशल, जो एक मेजोरिटी टू थर्ड मेजोरिटी के साथ, एक होती है टू थर्ड मेजोरिटी प्लस 50% कंसेंट ऑफ द स्टेट्स गवर्नमेंट। तो जो ये अमेंडमेंट है संविधान के अंदर आर्टिकल 368 के अंदर जो है पार्लियामेंट जो है उसमें संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है। इसके बाद इलेक्टोरल फंक्शंस। द पार्लियामेंट टेक्स पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। द इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट कंप्राइजिंग ऑफ अमंग अदर्स द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा एंड एग्री टू द लोकसभा। जो इलेक्टोरल फंक्शंस हैं लोकसभा के जो है उसमें क्या है कि वो राष्ट्रपति का चुनाव करती है और वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव करती है। देखो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर क्या होता है कि भाई राज्यसभा लोकसभा के एमपी होते हैं और प्लस जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं उनके एमएलएज होते हैं, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के जो है एमपीज होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम जुडिशियल फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। इन केस ऑफ द ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस द पार्लियामेंट हैज़ द पुनिटिव पावर्स टू पुनिश देम। ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इज व्हेन देयर इज ए इंफ्रिंजमेंट ऑफ एनी ऑफ द प्रिविलेज एंजॉयड बाय द एमपीज। देखिए अगर इन केस ऑफ द ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस द पार्लियामेंट हैज़ अ पुनिटिव। देखिए जो एमपीज को जो विशेषाधिकार दिए जाते हैं वो उनका उल्लंघन करता है तो पार्लियामेंट के पास, संसद के पास ये पावर होती है कि उसका वो जो है वो उनको वो पनिशमेंट दे सकती है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। ए प्रिविलेज मोशन इज मूव्ड बाय ए मेंबर व्हेन ही फील्स दैट ए मिनिस्टर और एनी मेंबर्स हैज़ कमिटेड ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस और वन और मोर ऑफ इट्स मेंबर्स बाय विद होल्डिंग फैक्ट्स ऑफ ए केस और बाय गिविंग रॉन्ग और डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स। देखिए जो प्रिलिविज मोशंस हैं, प्रिलिविज मोशन इज मूव्ड बाय द मेंबर व्हेन ही फील्स दैट ए मिनिस्टर और एनी मेंबर्स। देखिए ये जो प्रिलिविज जो मोशन होता है, विशेषाधिकार जो मोशन होता है, वो कोई भी एमपी लेके आ सकता है, तब लेके आता है जब कोई मंत्री कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, वो टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन दे दे, वो इस तरीके का जो मोशन है वो तब लेके आ जाता है। उसके बाद इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस आर इम्यून टू जुडिशियल कंट्रोल। देखिए जब पार्लियामेंट चल रहा होता है आप किसी भी एमपी को अरेस्ट नहीं कर सकते,
एमपी को अगर अरेस्ट करना है, उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई करनी है तो स्पीकर से परमिशन लेनी पड़ेगी, राज्यसभा के जो चेयरमैन उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू पनिश इट्स मेंबर इज आल्सो जनरली नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो जो पार्लियामेंट अपने जो सदस्यों को जो पनिशमेंट देती है वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में नहीं आता है। अदर जुडिशियल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड द पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, जजेस, द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, ऑडिटर जनरल। देखिए इसमें जो पार्लियामेंट के और भी जो जुडिशियल पावर्स हैं, क्या है कि राष्ट्रपति को हटाना इम्पीचमेंट के माध्यम से, वाइस प्रेसिडेंट को भी हटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, उनको इम्पीचमेंट या महाभियोग जिसको हम बोलते हैं उसके माध्यम से हटाया जा सकता है। उसके बाद अदर पावर्स फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, इश्यूज़ ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, द अपोजिशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस रिगार्ड एंड इंश्योर्स दैट द कंट्री इज अवेयर ऑफ अल्टरनेट व्यू पॉइंट्स। इश्यूज़ ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, देश के राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं। ए पार्लियामेंट इज समटाइम्स टॉक्ड ऑफ एज ए नेशन इज मिनिएचर। इन अ डेमोक्रेसी द पार्लियामेंट प्लेज द वाइटल फंक्शन ऑफ द डेलिब्रेटिंग मैटर्स ऑफ द इंपॉर्टेंस बिफोर लॉज रेजोल्यूशन आर पास्ड। द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अल्टर, डिक्रीज, इंक्रीज द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स। ये पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी स्टेट की जो है वो स्टेट को डिवाइड भी कर सकती है, उसकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है। द पार्लियामेंट आल्सो फंक्शन एज एन ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन, द मिनिस्टर आर बाउंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द हाउस व्हेन डिमांडेड बाय द मेंबर्स। देखो राज्यसभा का एमपीज या फिर लोकसभा का एमपीज किसी भी मंत्री से कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वो सूचना उसको उपलब्ध करवानी पड़ेगी, तो वो उसके लिए बाउंडेड होता है वो, क्योंकि पार्लियामेंट के प्रति जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है अकाउंटेबल होता है। कह सकते हैं कि पार्लियामेंट जो देश की सबसे बड़ी कानून निर्माण की संस्था है, आज पार्लियामेंट के अंदर 30% से ज़्यादा जो एमपीज़ हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, उनके खिलाफ हीनियस क्राइम के भी केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, डकैती के केसेस हैं, प्रॉपर्टी के कब्जे के केसेस हैं, और सभी जानते हैं कि वे पार्लियामेंट में किस तरीके की डिबेट्स होती हैं, क्या देश के इंटरेस्ट के लिए, लोगों के इंटरेस्ट के लिए कोई काम करते हैं वो लोग, कोई बहस नहीं होती, कोई डिबेट नहीं होती। तो पार्लियामेंट तो सिर्फ एक शोपीस मात्र रह गई है, जबकि पार्लियामेंट को देश के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने चाहिए। लेकिन जो पहले जो पार्लियामेंट का जो जो तस्वीर थी, आज वो तस्वीर नहीं रहेगी, ना वो ऐसे इंसान रह गए हैं जो देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। तो पार्लियामेंट का जो मेन काम था वो ये था कि अगर देश के लिए अच्छे कानून बनाए, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है अपना संविधान के दायरे से बाहर जाके काम करती है तो उसको उसके ऊपर चेक लगाए, सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी चेक लगाए। तो इस तरीके के जो काम थे वो पार्लियामेंट को करने थे, लेकिन आज जो है पार्लियामेंट ऐसे काम करने में असमर्थ है। थैंक यू वेरी मच।